अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी प्लम केक। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाया मैंने। अब ये है मेरे पास बचे हुए कुछ बिस्कुट्स। इनमें कई तरीके के बिस्कुट्स हैं, इनका हम एक बारीक सा पाउडर तैयार करेंगे। चलिए बिस्कुट का पाउडर हमारा तैयार हो गया। देखिए बिल्कुल बारीक है, बिल्कुल देखिए सिल्की सा लग रहा है छूने पे। और ये है मेरे पास एक प्लम, इसे हम आलू बुखारा भी बोलते हैं। अब मैं लूंगी दो अंडे की जर्दी और इसमें डालूंगी आधा कप शुगर। शुगर को मैंने पीस दिया हुआ है। अब इसको इस तरीके से फेंटना है जैसे कंडेंस मिल्क की शक्ल में आ जाए ये बिल्कुल। अब इसमें जाएगा एक चम्मच वेजिटेबल ऑयल। मेरे पास अनसाल्टेड बटर नहीं है तो मैंने वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है। आपके पास अनसाल्टेड बटर हो तो आप उसको यूज़ कर सकती हैं। फेंटेंगे इसको अच्छी तरीके से, एकदम फ्लफी बना देंगे इसको। देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ जाइए। अच्छी तरीके से फेंटते रहेंगे इसको, कम से कम 5-7 मिनट तक फेंटें, 10 मिनट फेंटें तो अच्छा है। अब इसमें जाएगा बिस्कुट का पाउडर, थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें, लम्स ना आए इसमें। अब इसमें डालूंगी मैं एक चम्मच दालचीनी का पाउडर और एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, एक चुटकी नमक। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब बैटर को एक अच्छा स्मूथ टेक्सचर देने के लिए मैंने लिया एक कप गर्म दूध और इसे थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी जिसे परफेक्ट बैटर तैयार हो जाए और कोई लम्स ना रहे इसमें। ये तैयार हो गया है। देखिए ना इसमें कोई गठलियाँ हैं ना ही इसमें कोई लम्स हैं, बिल्कुल चिकना स्मूथ बना हुआ है। अब मैं लूँगी ग्रीस किया हुआ मोल्ड और इसमें रखेंगे कुछ सूखे फल कटे हुए क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, और मैंने प्लम को स्लाइस कर दिया हुआ है। चलिए तैयार करते हैं। अब इसको हम रखेंगे अवन में 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए। मैंने अवन को प्री हीट कर लिया था। आप चाहें तो इसे कुकर में बना सकती हैं, कोई इडली का मोल्ड रख के या फिर छोटी छोटी कटोरी रख के उसमें किसी स्टैंड पे, ये आराम से बन जाए। चलिए केक हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। मैं इसकी गार्निशिंग लड्डू से करने वाली हूँ, मोतीचूर लड्डू से, ताकि बच्चों को वो भी बहुत पसंद होता है। ये देखिए इस तरीके से हम इस पर एक एक करके लड्डू रखेंगे। ये देखिए जो कि खाने में भी टेस्टी होगा, लड्डू का भी टेस्ट आएगा और केक का भी टेस्ट आएगा। तो बन गया ना हमारा बढ़िया केक। दोस्तों मैंने जो गार्निशिंग की है लड्डू से, आप किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं। अगर आपको लड्डू पसंद नहीं है तो आप इसे चेरी या पाइनएप्पल या फिर किसी भी फ्रूट से कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।